16 दिसंबर की तारीख भारत और पाकिस्तान के इतिहास का वो मोड़ है जिसे दोनों देश कभी नहीं भुला पाएंगे। साल 1971 की लड़ाई के दौरान इसी दिन पाक पर भारत को जीत हासिल हुई थी और इस दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने इस युद्ध के बाद घुटने टेक दिए थे। 1971 में बांग्लादेश की आजादी को लेकर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुई सीधी जंग में भारतीय जवानों ने बड़ी चतुराई और बहादुरी से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। इस जंग के कई नायकों में से एक जेएफआर जैकब उस लम्हे के भी गवाह बने थे जब जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी और उनके हजारों फौजियों ने आत्मसमर्पण किया था। 1969 में सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ ने जेएफआर जैकब को पूर्वी कमान प्रमुख बना दिया था। जैकब ने 1971 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाते हुए दुश्मनों को रणनीतिक मात दी थी। जैकब के मुताबिक 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। जंग से आजिज आ चुके और बेहतर जिंदगी की तलाश में बांग्लादेश के शरणार्थी लाखों की संख्या में सीमा पार करके देश के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में लोग इस्लामी कानूनों के लागू होने और उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने का विरोध कर रहे थे, इसलिए हालात ज्यादा खतरनाक हो गए थे। पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने वाले रिटायर्ड जनरल जेएफआर जैकब के मुताबिक भारत के तीखे हमलों से परेशान होकर पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में युद्ध विराम की पेशकश की, जिसे भारतीय सेना ने अपनी चतुराई और पराक्रम से पाकिस्तान के पूर्वी कमान के 93,000 सैनिकों के सरेंडर में बदल दिया। आधुनिक सैन्यकाल में इस पैमाने पर किसी फौज के आत्मसमर्पण का ये पहला मामला था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।